जावद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की सरकार की सराहना करती बहनें चूक नहीं रही है। आम आदमी से लेकर महिला भाजपा सरकार से मिलने वाली अनेकों योजनाओं से खुश है। इसी बात को लेकर खबर 9 चैनल ने जब विधानसभा चुनाव को लेकर घर पहुंचकर आम जनता से पूछा तो माता बहनों से लेकर जनता ने हकीकत बताई और कहा कि भाजपा सरकार की हर योजना का लाभ हमें मिल रहा है। हर वर्ग के साथ शिवराज सरकार खड़ी हुई है। लाडली बहनों का लाभ हमें मिल रहा है। यही नहीं, विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के कार्यकाल में हमारे नगर अठाना में अनगिनत विकास कार्य हुए हैं। अब की बार फिर भाजपा सरकार बनेगी और ओम प्रकाश सकलेचा को पुनः विजय बनाया जाएगा। नीमच से नंदकिशोर दमामी की रिपोर्ट। चंदा भाई पर जब यहाँ के जो मंत्री जो विधायक है ओम प्रकाश सकलेचा जो अब की बार पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपके उनके कार्यकाल से खुश है? हाँ खुश है। कितना विकास आपके वार्ड में हुआ है? हमारे वार्ड में बहुत विकास हुआ है। और लाडली बहन योजना का भी आपको लाभ मिला है? हाँ मिला। तो अब की बार आप किसे वोट देंगे वापस? शिवराज सिंह जी मामा को। शिवराज सिंह जी को वोट देंगे, यानी आपको पुनः भाजपा की सरकार बनाएंगे? हाँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से आप खुश है? हाँ जी। आपको हर योजना का लाभ मिल रहा है अभी? हाँ जी। और लाडली बहन योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा काम हो रहा है, यही आना चाहिए। तो अब की बार फिर यहाँ से ओम प्रकाश सकलेचा जीत का परचम लहराएंगे? हाँ जीतेंगे। कितना विकास हुआ है विगत 5 वर्षों से? इससे और अधिक, अभी इन वर्षों में और अधिक कार्य अच्छा हुआ है, अच्छा परिणाम है और जनता भी खुश है, माता बहनें भी खुश है, सब उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं जो अभी विगत 5 वर्षों से चालू की है वो भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और चल रही है और अच्छा कार्य हो रहा है। और मंत्री जी के कार्यकाल में जो कार्य हुआ वैसा विगत वर्षों में हमने कभी नहीं देखा। क्या नाम आपका? मांगीलाल प्रहलाद राठौर। यहाँ के जो विधायक हैं उनके कार्यकाल से आप खुश थे? बिल्कुल खुश हैं, अच्छा विकास किया। कभी भी हम फ़ोन लगाते हैं तो तुरंत फ़ोन उठा के वो उनके फ़ोन से फ़ोन लगाते हैं वापस, अगर बिजी भी होते हैं तो उनके फ़ोन से फ़ोन लगाते हैं और वापस बात करते हैं, हाँ बोलो भाई क्या काम है। इतने बड़े आदमी होने के बाद में भी फ़ोन उठाते हैं, कभी हमारे दुख दर्द में आते हैं। छोटा सा गांव अठाना है, 4000 वोट है जिसमें भी लाखों करोड़ों का विकास हुआ और एक भी गली ऐसी नहीं बची है जहां सीसी बाकी नहीं है और 800-900 मकान आए हैं यहां। और जितनी तारीफ करें ओम जी पर सकलेचा के उनके लिए वो कम है, इतना विकास हुआ अठाने में। तो अब की बार फिर ओम प्रकाश सकलेचा जीत का परचम लहराएंगे जावद विधानसभा क्षेत्र? कम से कम 15000 ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा वोटों से जीतने की पूरी उम्मीद है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद राठौर।